नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स। और मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्किन केयर टिप्स लेके आई हूँ। जो नाइट रूटीन है हमारा, तो नाइट में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अपने हमारे चेहरे पे यूज़ करके सोते हैं, जैसे कि नाइट जेल हो गया, या फिर टोनर हो गया, या फिर रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल, जो भी है हम यूज़ करके सोते हैं। तो ये भी एक होम रेमेडी है जो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपकी चेहरे की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी, उससे धीरे धीरे दाग धब्बे भी दूर होंगे, और वो वाइटनिंग का भी काम करेगा जेल, और हमारे पिगमेंटेशंस वगैरह को भी रिमूव करने का वो काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा जेल है जो घर की चीज़ों से ही बनाई गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कैसी बनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी मेरी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और ये रेमेडी यूज़फुल और टिप्सफुल लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने लोगों के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और फिलहाल मैंने वो सिर्फ जेल यूज़ किया है, जेल के अलावा मैंने चेहरे पे कुछ भी यूज़ नहीं किया है, लिपस्टिक के अलावा और कुछ नहीं यूज़ किया, सिर्फ जेल यूज़ किया है। तो अगर आप चाहें तो, जी हाँ, ये चावल का पानी है। जब हम चावल पकाते हैं तो जो पानी बचता है, इसे माड भी कहते हैं, तो वो हम निकाल लेंगे चावल पकाने के बाद, और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर एक चम्मच, यहाँ पे गुलाब जल का मैं पानी डाल रही हूँ एक चम्मच, और उसी के हिसाब से मैं एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। तो बहुत ही अच्छा है एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर। आप जानते हैं कि एलोवेरा जेल से हमारे मतलब क्लिनजिंग का, मॉइस्चराइजिंग का काम होगा, इससे धीरे धीरे दाग धब्बे भी दूर होते हैं, और गुलाब जल हमारा क्लिनजिंग का काम करेगा, एक टोनर की तरह वो काम करता है हमारे फेस पे, स्किन पे। तो अभी हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ। इन सब चीज़ों का मिश्रण आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देगा, वो भी जेल को हम नाइट में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। रोज़ रोज़ हमें अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो लास्ट में मैं डालने वाली हूँ बादाम का ऑयल। जी हाँ, बादाम का ऑयल। अगर आपके पास बादाम का ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई का एक कैप्सूल आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, जिससे कि ये क्रीम बहुत ही अच्छा और सुपर बनने वाला है, और 100% नेचुरल। और आपको पता है होम रेमेडीज़ बहुत ही अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे अब आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे। और रोज़ रात को हमें अप्लाई करना है अपने फेस पे, दूसरे दिन हमें ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे इस क्रीम को। तो आप देख सकते हैं एकदम भी बहुत ही अच्छी तरीके से बना है, और मैं इसे रोज़ रात को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जैसे कि इससे पिगमेंटेशंस वगैरह, या फिर झाइयों की प्रॉब्लम है, या फिर दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों से आप छुटकारा पाएंगे। हमारे स्किन को ये ग्लोइंग का भी काम करेगा, और स्किन वाइटनिंग का भी ये काम करेगा, क्योंकि चावल का पानी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और एलोवेरा जेल और बादाम ऑयल और गुलाब जल, इन सब चीज़ों का मिश्रण हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे हम इस तरीके से मसाज करेंगे, हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे हम अप्लाई करेंगे नाइट में सोते समय। तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है ये। थोड़ा सा आपको वीडियो टिप्सफुल और यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं चेहरे पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो अब हम इसे लगा के रात भर छोड़ देंगे, और नेक्स्ट टाइम ठंडे पानी से अपना चेहरा वॉश कर लेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। सो बाय, टेक केयर।